आज जो गीत आप सुनते हो यहां पे, वर्शिप सुनते हो, जिन वर्शिपर ने ये गीत गाए हैं, सारी उम्र उनके कोई बेबी नहीं हुआ, पूरी उम्र। और जब उनके स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं सारी सारी रात वो प्रार्थना करते थे और बाइबल पकड़ के बैठते थे और खुदावन जब मर्जी कोई नया गीत देता था उसको लिखते थे और उसी समय ट्यून बनाते थे। पर आजकल के वर्शिपर को यह मालूम नहीं, उनको यह मालूम है कि बाल स्ट्रेट होने चाहिए जब पिक्चर हमारी खींची जाए, पर आत्मा स्ट्रेट हो ना हो, क्योंकि आपके कपड़े अच्छे और बाल स्ट्रेट तब अच्छे लगते हैं जब आपकी आत्मा भी स्ट्रेट और अच्छी हो। हालेलुया। आज प्रॉब्लम यह है कि दूसरे की तरक्की जब दिखती है उन्हें लगता है कि हम सेम कॉपी करेंगे, ऐसे गाएंगे या ऐसे कुछ कर लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। और जब गीतों को सुना जाता है तो कोई मसा नहीं है आजकल वर्शिप में, ऐसा लगता है बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं, लगता ही नहीं जीसस क्राइस्ट का सॉन्ग सुन रहे हैं। बीच गाने में कई मसीह नाम आ जाता, पता लगता है अच्छा अच्छा क्रिश्चियन सॉन्ग है, नहीं तो ऐसा लगता है कि शायद बॉलीवुड की शूटिंग चल रही है, कोई अच्छा सॉन्ग है, सोशल सॉन्ग चल रहे हैं। हाँ, जो सॉन्ग आप सुन रहे हो ना, ये वो वर्शिपर्स ने गाए जिनके सारी उम्र बेबी नहीं हुआ और खुदा बात करता था उनसे, साई साई रात प्रार्थना में बैठते थे, बाइबल खोली होती थी, नई धुन मिलती थी, और देखो अलग अलग धुनों के सॉन्ग होते थे क्योंकि परमेश्वर अलग अलग धुनों में उनको लेके जाता था।